हेलो गाइस, मेरा नाम किशोर कुणाल है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं वापस से आ गया हूँ आज कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, जो कि 7 टॉपिक्स हैं। वापस से 7 टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और जो वो 7 टॉपिक्स हैं आज जिस चीज़ के रिलेटेबल में हैं वो इंडिया है, हमारा देश। ठीक है, तो सोचा कि लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, खुलने का तो लॉकडाउन आज नाम नहीं ले रहा है, और इसी वजह से मैं आज ऐसा दिख रहा हूँ। तो कोई अंतर नहीं है, पिछली पेज वीडियो में भी वैसा ही दिख रहा था। ठीक है, आगे भी लगता है कुछ दिन तक ऐसा ही दिखूंगा। और जैसे कि न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं कि 30 अप्रैल तक ये एक्सटेंशन होगा, तो उस हिसाब से समझ ही सकते हैं कि आप मुझे और भी बड़े दाढ़ी के साथ देखने वाले हो। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे काउंटिंग से। बट काउंटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि लॉकडाउन में आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको भी कोरोना वायरस हो सकता है। आप अगर इम्यून अपने आप को समझते हैं तो इम्यून समझने की भूल ना करें। अगर आप ये समझते हैं कि आपका बॉडी में कोरोना वायरस नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली केसेस बूढ़ों में ही नहीं, आजकल नॉर्मल यंगस्टर्स में भी आ रहे हैं। सो केयरफुल रहिए, अपने हाथ वॉश करते रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग नंबर वन से। नंबर वन में क्या है? चीनी। चीनी जो आप जानते हैं, जैसे कि शुगर, वो सबसे पहले हमारे इंडिया में ही खोजा गया था, बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहले उसको यूटिलाइज हम ही लोग कर रहे थे, हम इंडियंस ही कर रहे थे उसको यूटिलाइज। आगे चल के जब बाहर से लोग आने लगे हमारे पास, और धीरे धीरे करके ट्रेडिंग डेवलप हुई, तो वो चीनी को हम लोगों ने क्या किया, ट्रेडिंग में ट्रेड करना स्टार्ट किया। तब जाके वो चीनी कहाँ पहुँची, दूसरे देशों में पहुँची, और वहाँ के लोग चीनी का प्रयोग करना स्टार्ट किए। ओके, तो अब आएंगे हम लोग सेकेंड नंबर पॉइंट पे। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है? शैम्पू। ठीक है, तो शैम्पू आपको क्या लगता है कि कहाँ बना होगा, शैम्पू का इन्वेंशन कहाँ हुआ होगा? तो यस, आप करेक्ट सोच रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो इंडिया पे है, तो कहीं और का तो हो नहीं सकता। शैम्पू भी इंडियन इन्वेंशन है, और एंशिएंट टाइम में इसे हर्ब्स की तरह हम लोग बालों में लगा के यूज़ करते थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, तो थर्ड पॉइंट है मिल्क, दूध। आपको मैं बता दूं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क इंडिया में होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, फोर्थ पॉइंट बता देता हूँ कि हीरा। ठीक है, हीरा को जो रिफाइन किया जाता है, ये सबसे पहले किया गया था इंडिया में ही, माइन भी इंडिया में ही किया गया था सबसे पहले, और रिफाइन भी इंडिया में ही किया गया था सबसे पहले। ठीक है, तो इंडिया के बारे में फिलहाल अभी तक आपने चार चीज़ें जानी। पांचवा पॉइंट में आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कबड्डी के बारे में। कबड्डी का जो वर्ल्ड कप हुआ है, जो अभी तक वर्ल्ड कप, जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं अभी तक, पूरे के पूरे 5 वर्ल्ड कप हमारे ही पास हैं, मतलब इंडिया के पास है। तो ये बात आपको क्या पता थी? अब आएंगे हम लोग अपने छठे पॉइंट पे। छठा पॉइंट क्या है, बताता है आपको कि जो इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश बोली जाने वाली, ठीक है, हमारा जो देश है इंडिया, वो सेकेंड पोजीशन पर आता है। यहाँ की पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंग्लिश को रगड़ती है, घसती है, कि वो दुनिया का सेकेंड ऐसा पॉपुलेटेड देश है जहाँ इंग्लिश इतनी ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है। पहला कौन सा कंट्री है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ड्रॉप कीजिए कमेंट और मुझे बताइए कि फर्स्ट कौन सी ऐसी कंट्री है जो लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंग्लिश बोलती है। अब आएंगे हम लोग बात करेंगे आखिरी पॉइंट की। ठीक है, तो ये बात करेंगे हम लोग कि चंद्रमा पे पानी सबसे पहले किस देश ने खोजा। तो आप एकदम सही सोच रहे हैं, ये सुन के अगर आपको आश्चर्य हुआ होगा तो होना भी चाहिए, क्योंकि भारत ही है वो देश जिसने चंद्रमा पे सबसे पहले पानी खोजा है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, 2008 का चंद्रयान, अगर आपको याद हो, चंद्रयान फर्स्ट, तो उसने
एक जो कैमरा लगा था उसी कैमरे से रेडिएशन से वो पिक्चर्स आई थी, जिससे भारत पहला देश बना था जिसने ये खोज किया था कि चंद्रमा पे पानी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये सातों पॉइंट आपको कैसे लगे। आपको अगर पता थे तो अच्छी बात है, नहीं पता थे तो आज आपको इस वीडियो के चलते पता हो गए हैं। आप इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं अपने देश के बारे में, जो आपने कुछ जानकारी ली है इस लॉकडाउन में बैठे बैठे। मैंने भी ये जानकारी कहीं से ली ही है तो सोचा कि आपको क्यों ना बताया जाए, तभी मैंने ये वीडियो डाला आपके कुछ फैक्ट्स के साथ। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आगे मैं और कौन कौन सी वीडियोज आपके लिए लेके आऊँ। चलिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, तब कि अगला वीडियो आप तक वापस आए। ओके, बाय बाय।